मकबूजा कश्मीर में G20 का मुतनाज़े इजलास मुनक्किद करके कब्जे को कानूनी करार दिलवाने की भारतीय साजिश नाकाम हो गई है। अरे नहीं, मकबूजा वादी में G20 इजलास 24 मई तक जारी रहेगा और शाहाना ठाट बाट के लिए करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। ये G20 की मीटिंग यहाँ पे बुलाना इंडियन हेल्थ कश्मीर के अंदर, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू, क्या करना क्या चाह रहा है इंडिया? कितनी बेहिसी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। सूरत हाल इस तरह से कि भारत ने सरबराही का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। अच्छा, कि अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की और ये पाकिस्तान की खारजा महाज पर कामयाबी है कि भारत को मुंह की खाना पड़ी। मैं कब हो गया ये? कि भारत को मुंह की खाना पड़ी। कब हुआ कब? G20 इजलास मकबूजा कश्मीर में करके सब अच्छा का पैगाम देना चाहता है। एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत कुछ हासिल नहीं कर सकता, कश्मीरियों से पूरा पाकिस्तान इजहार यकजहती के लिए। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। जलवा है हमारा। अब मैं भारत एक मरतबा फिर से दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और नहीं तो क्या? G20 की कॉन्फ्रेंस जो श्रीनगर में हिंदुस्तान ने बुलाई है। आज मैं बहुत हंसूंगा। पाकिस्तान G20 का मेंबर है ही नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, काटो तो खून नहीं, खून होगा तो निकलेगा ना, तो ये का ये हाल पाकिस्तानी होगा। ठीक है जी। कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग को इन पाकिस्तानियों ने इतनी हवा दी कि कश्मीर की मीटिंग पूरी दुनिया के अंदर छा गई है। पूरी दुनिया ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं। और पाकिस्तान और चाइना अगर इतने हंगामे नहीं करते तो इतनी हाइप ही नहीं बनती कश्मीर की। और जो भारत चाहता था वो पाकिस्तान ने किया और मुंह की खाई। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 75 साल से पाकिस्तान कश्मीर करता रहा और कश्मीर के बदलते हालात और कश्मीर को वाकई में जन्नत जैसी वादी होता हुआ देखकर पाकिस्तानियों की जल गई है भाई, सड़ गए हैं तो, और इनका सड़ना भी बनता है, आखिर हमारे रियायती हरीफ है। ये साजिश थी, भारत की ये कोशिश थी कि इस मुतनाज़े इलाके को कानूनी हैसियत कुछ मिल जाएगी। जब इस तरह का अहम इजलास यहाँ पर मुनक़िद होगा और दीगर ममालिक जो है वो जब यहाँ पर शिरकत करेंगे तो फिर इसका मतलब ही होगा कि उन्होंने इसकी कानूनी हैसियत को तस्लीम कर लिया है। लेकिन ये जो कुछ किया गया इसमें भारत की साजिश को नाकाम बनाया गया है। तुर्किया ने, चीन ने, सऊदी अरब ने और मिस्र ने अपना अपना किरदार अदा किया और साफ इनकार कर दिया है कि हम इस इजलास में जो कि मुतनाज़े इलाके में हो रहा है इसमें शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीरे ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारत को सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करना होगा और वो इस वक्त अपनी सियासत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और साफ साफ इनकार किया गया कि साजिश को हम नाकाम बनाएंगे। अबे जाहिलो, G20 के तो तुम तो मेंबर भी नहीं हो, G20 का G50 G100 के मेंबर नहीं हो, तो तुम्हारे बायकॉट करने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं हमारे पड़ोसी देश को अपने लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, जरूरी चीजों का इंतजाम करना चाहिए, नागरिक सुविधाएं वहाँ बाहर हो ये आवश्यक है। भारत इन सब चीजों को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ गया है और मुझे लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे लिए गर्व का विषय है और यूनाइटेड नेशंस के ढेर सारे प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि पूरी दुनिया चाहती है कि भारत इस तरह का आयोजन करे, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। मिशाल मलिक ने कहा, दुनिया को ये पैगाम दें कि कश्मीरी कौम G20 ममालिक का बायकॉट करती है, दुनिया जान ले कश्मीरी कभी भी अपना वतन मोदी सरकार के हवाले नहीं करेंगे। यासिन मलिक तो आपको अच्छी तरह याद होगा जो कि अभी जेल के अंदर आजीवन कारावास काट रहा है, इसकी बीवी पाकिस्तानी है। G20 का समिट हो रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जो मोदी हमारी खून हमारी कब्रों के ऊपर जो जश्न मना रहा है, जो 5th अगस्त के बाद 2019 के बाद आज वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उसने मुकम्मल तौर पर कश्मीर को कब्जा कर लिया है, फतह कर लिया है। झूठ बोलो तो आप सब लोग बाहर निकलें, सड़कों पे एहतजाज करें, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों को पहुँच रही है, आप सब लोग
जो है कश्मीरियों के लिए एक ह्यूमन चेन बन के तौर अब सामने आए और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और ये जेनोसाइड जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान कर रहा है जो अनएक्सेप्टेबल है। बार बार झूठ बोलो और G20 की कंट्रीज को हम ये बताना चाहते हैं कि कश्मीरी इसको बॉयकॉट करते हैं, ये जमीन, ये खित्ता, ये हम इसके वारिस हैं और हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ पे दुश्मन आके जो है वो दंदनाता रहे और कब्जा करता रहे और हम इसको एक्सेप्ट करें। ये बंदी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में रहती है, लेकिन क्या बोल रही है, हमारा कश्मीर। अरे मैडम, तुम्हारा ना कश्मीर कल था, ना आज है, ना आने वाले कल में रहेगा। और जिस कश्मीर का तुम इतना गंदा रूप दिखाने की कोशिश कर रही हो अपने आवाम को, उस कश्मीर में देखिए कोरियन मैडम क्या बोल रही है। In here in Jammu and Kashmir will be an opportunity to showcase the world how beautiful it is and also how peaceful it is. तो डॉक्टर साहब, दो मकसद हो सकते हैं। एक तो ये वो तनाज़े हैसियत को कानूनी करार देने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया इसको तस्लीम कर ले। दूसरा, जो जुल्म और बर्बरियत, जो फस्ताइयत का वहां पर माहौल है, जो कश्मीरियों के साथ दिन रात वहां पर किया जा रहा है, यहाँ तो ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि यहाँ पर हालात बिल्कुल मामूल पर, ऐसी कोई चीज नहीं है, झूठ बोला जाता है या प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये दोनों मकसद है या फिर आपको क्या लगता है? जी, दोनों मकसद है, लेकिन पहला मकसद इस तरह हासिल नहीं हो सकता। दूसरा मकसद हासिल करने की वो काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी नफी इस लिहाज से हो जाती है कि अक्वामे मुत्तहदा से आवाज उठी है, जो कि उनके रिपोर्टियर हैं, उन्होंने आवाज उठाई है कि इंडिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मोहर सब करवाना चाहता है G20 के ममालिक से, मॉरली खासतौर पर, कि वहां सब अच्छा है। आप अंदाजा करें कि वहां जो बंकर्स बने हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के और फौज के, उनको बड़े बड़े कपड़ों से, बड़े बड़े कैनवस से उसके ऊपर G20 के वेलकम किस्म के नारे लिख के लगाए हुए हैं। G20 की 20 कंट्री में से अगर 17 कंट्री आ गई है तो जीत भारत की है। तुम्हारी जीत जब होती है जब 17 कंट्रियां बॉयकॉट करती और सिर्फ 2 या 3 ही आती, तब पाकिस्तान की जीत मानी जाती। लेकिन खैर, तुम वो जाहिल लोग और तुम्हारे लिए यही छोटी छोटी खुशी है, हलवा पकाओ। अब सुनो पाकिस्तानियों और गौर से देखो पाकिस्तानियों, ये जो लेडी है कश्मीरी लेडी है और इस कश्मीरी लेडी ने कैसे तुम्हारे प्रोपेगेंडा को चाटा मारा। देखिए, आपसे जानेंगे, G20 के डेलीगेट्स आज पहली बार यहाँ आए हैं, लाइक एज ए कश्मीरी हाउ इज द जोश? देखिए, ये जो BJP ने प्रोग्राम रखा है, हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने G20 समिट में जो प्रोग्राम कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर के युवाओं के लिए रखा है, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पहली बार मैंने 30-35 साल के बाद, 40 सालों के बाद ऐसा माहौल देखा है कि आज की डेट में आप देखो हर कोई खुश है। G20 का माहौल कैसा है, लोग कितने खुश है, लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया इसके साथ, लोग यूनाइट हो गए इसके साथ, है ना। और स्मार्ट सिटी भी इसी तरह खूबसूरत बनती गई और यहाँ पर डेवलपमेंट भी होती रही। और G20 का मकसद ही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे एम्पावरमेंट हो, यहाँ की यूथ जो है उनको एम्पावरमेंट किया जाए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे कि फॉरेन देशों से कुछ लोग आ रहे हैं हमारे कश्मीर का डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए। हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया है और हमारे कश्मीर का एक नया माहौल बनाया है। और मैं खुद कश्मीर गया था पिछले महीने, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कश्मीरी बहुत खुश है आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद। और जिन लोगों के दिल में पाकिस्तान धड़कता था, मोदी जी ने उन लोगों को या तो बेहतर हुरों के पास भेज दिया या वो जेलों में सड़ रहे हैं। इन पाकिस्तानियों को छाती घुटना तो इसे चलता रहेगा। आप लोगों को क्या विचार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और लाइक टारगेट रख लेते हैं 14,000 लाइक, मुझे पता है औकात से ज्यादा है, लेकिन आप करवा दो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।